सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो चलिए देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। जी सर, बहुत ज्यादा स्पेस है, वी हैव इनफ स्पेस, इसीलिए मैंने इस बीच में लिखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन है क्या ना कि 2x² + x - 6 = 0, इसके दो रूट्स आपको पता करने हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। आपको देख के पता लग रहा है सर डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं सर। अभी देखिए हम लोग करते क्या थे, एग्जांपल्स में मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो में बताया था जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 15 मिनट की वीडियो आप जाके रिवाइज कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर जो आपका ए और सी होगा उन दोनों को इंटू कीजिए। 6 टूजा मतलब देखिए यहां एक्स स्क्वायर भी तो है, 6 टूजा 12 हो जाएगा, तो 12x². अब इसको दो बक्से में आपको बांटना है सर, दो बक्से में बांटना है, तो एक्स एक्स बांट दिए, एक्स को तो बांट दिए लेकिन 12 को कैसे बांटेंगे। 12 का एलसीएम ले लेते थे सर हम लोग, 12 का एलसीएम ले लेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 6 12 हुआ, अब 2 3 क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 6 आया आपको। अब आपको करना क्या है ना, इस 2 2 3 को आपको प्लस माइनस कुछ भी करके, मतलब कुछ भी नहीं सिर्फ और प्लस माइनस करके आपको एक्स के बराबर करना है। तो देखिए सर, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4 हो जाएगा। 4 और 3 को हम कैसे लिखेंगे प्लस या माइनस के फॉर्म में कि वो एक्स के इक्वल हो जाए। सर देखिए 4x - 3x एक्स ही तो हुआ ना सर, हुआ कि नहीं। और जब आप 4 × 3 करते हैं तो वो भी तो क्या आता है, 12x आता है, माइनस था तो -12x आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां माइनस लग गया, यहां भी हमारे पास 6 के पास माइनस था। ज्यादा समझा रहे क्या, चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए 2x² प्लस मैंने क्या बोला 4x - 3x - 6 = 0। सर इनिशियल स्टेज है ना, इसीलिए थोड़ा ज्यादा समझा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझाना बंद सर, डायरेक्ट सॉल्व, ठीक है। अब देखिए यहां 2x² है, यहां पे क्या है 4x है, मतलब यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x × x, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x × 2, ठीक है। तो दोनों में 2x है ना, तो 2x को हम लोग कॉमन ले लिए। यहां क्या बच गया सर, यहां बच गया सिंपल x, यहां क्या बच गया सर 2x को निकाल लिए, यानी कि 2 भी और x भी निकल गया, बचा क्या यहां पे 2 बचा, 4 था ना तो 2 बच गया, 2 2 4 होता है सर, सिंपल है, आपको भी पता होगा। अब देखिए यहां 3x है, यहां पे -6 है, अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें इसमें से, x तो है नहीं सर दोनों पास, तो x तो ले नहीं सकते, पहले तो माइनस कॉमन लेंगे, दोनों के पास माइनस है। अब देखिए यहां क्या बचा है सर, 3 है तो 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है x, अब ये माइनस कॉमन आ चुका है तो अंदर क्या हो गया प्लस, 6 में से 3 कॉमन आ चुका है तो अंदर क्या बच गया 2 = 0। सर देखिए आपको बस इसमें क्या समझना है ना कि अगर आपका ये वाला सही आपको लग रहा है तो इस वाले को भी इसके बराबर कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। x + 2 को कॉमन आउट कर दीजिए, तो x + 2 कॉमन आउट हो गया, यहां से x + 2 गायब हो चुका है, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, भूल जाइए। अब यहां सिर्फ क्या बचा है, यहां बचा है 2x, और यहां क्या बचा है, ये तो गायब हो गया, -3 बचा है = 0। अब दो टर्म्स है, ठीक है, दो टर्म्स जब भी इंटू में होते हैं और जीरो से इक्वेट करते हैं तो मैंने आपको बताया था इंट्रो वाली वीडियो में कि या तो ये पूरा टर्म जीरो होगा या तो ये पूरा टर्म जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, अगर दोनों में से एक टर्म जीरो के इक्वल होगा तो कंडीशन आ गया आइदर और वाला, मतलब आइदर x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0, ठीक है। हाँ सर, क्या दिक्कत है सर, अब सॉल्व कर दीजिए ना, ये इधर प्लस में, इधर के माइनस में, x = -2, ये आ गया आपका फर्स्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये इधर माइनस में, इधर के प्लस में, 2x = 3, और ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर के डिवाइड में, x = 3/2, ये आ गया आपका सेकेंड रूट ऑफ दिस वेरी इक्वेशन, ठीक है। तो यानी कि आपके ये दो रूट्स आ चुके हैं, इसको अगर आप पुट करते हैं इस वाले वैल्यू में तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बढ़ते हैं आगे।